नमस्कार, खबर दमदार में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। कानपुर से शुरुआत करते हैं खबरों की। कानपुर में 6 साल की मासूम से बलात्कार और हत्या के आरोप के चलते ये जो पूरा मामला है, इसमें मासूम का कलेजा खाने के मामले में कोर्ट ने 4 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और इसके अलावा चारों पर 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। फैसले के बाद में पीड़ित परिवार खुश है। परिजनों के मुताबिक 14 नवंबर 2020 को दिवाली थी और मासूम दिवाली की रात बच्चों के साथ में खेल रही थी और इसी दौरान दोनों ने उसको अगवा कर लिया और उसके साथ में दुष्कर्म की घटना के बाद में उसकी हत्या कर उस मासूम के शरीर से लीवर, किडनी और कलेजा निकाल लिया और कलेजा निकाल कर आरोपी दंपत्ति सुनैना और परशुराम को सौंप दिया। इसके बाद में आरोपी सुनैना और परशुराम ने तांत्रिक के द्वारा बताए अनुसार उस मासूम के कलेजे को खाया जिससे कि उन्हें संतान सुख की प्राप्ति हो सके। घटना दिल दहला देने वाली थी। अब मामले में कोर्ट ने चारों को सजा सुनाई है और साथ ही आपको बता दें कि जुर्माना भी लगाया गया है। इनका मोटो ये था कि इनको जो परसुनैना थी, सुनैना और परशुराम पति पत्नी है और अंकुल उनका भतीजा है, तो सुनैना की 18 वर्ष से कोई आबो औलाद नहीं हुई थी, तो उनको किसी ने बताया होगा कि अगर आप किसी नवजात बच्ची का, कम उम्र बच्ची का कलेजा खा लो तो तुम्हें बच्चा हो सकता है। इसी धारणा में उन्होंने उस योजना में षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र रच के उन्होंने उस योजना में अंकुल और वीरेन को शामिल किया और इसके उपरांत उन्होंने इस जघन्य पाशविक घटना को अंजाम दिया। कितनी दिन में ये सजा सुनाई गई है और कितनी चार्जशीट पुलिस ने दायर की थी, कितने गवाह इसमें पेश किए? इसमें 10 गवाह थे, पुलिस ने 10 गवाह पेश किए। 1 गवाह जो है बचाव पक्ष की ओर से भी पेश किया गया और बहुत ही जल्दी इसका निर्णय हुआ है। करीब आई थिंक 2 साल 2.5 साल के अंदर में, लगभग 3 साल में इसका निर्णय पूर्ण हो गया। हरदोई के हरपालपुर कोतवाली इलाके में आग लगने से झोपड़ी जलकर खाक हो गई। आग बुझने में एक बुजुर्ग झुलस गया जिसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। आग से झोपड़ी के नीचे बैठा मवेशी भी जलकर मर गया। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर कंट्रोल किया। और अब खबर कानपुर से है जहां पर बिजली कर्मियों पर हमला करने का मामला सामने आया है। बिजली चोरी पकड़े जाने पर हमला किया गया। बिजली कर्मियों पर ईंट पत्थर से हमला किया गया। हमले में कई बिजली कर्मी घायल हो गए। बिठूर थाना क्षेत्र के पारा प्रतापपुर गांव का ये पूरा मामला, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बिजली चोरी की घटनाओं को जब बिजली कर्मियों ने पकड़ा तो ऐसे में बिजली कर्मियों पर ही हमला बोल दिया गया। आगरा में शव दफनाने को लेकर विवाद हो गया। मामला थाना शाहबाद क्षेत्र के अचुरेरा गांव का है। गांव के ही रहने वाले 70 साल के हबीब खान का देहांत हो गया था और शव को दफनाने के लिए हबीब खान के परिवार के लोग जा रहे थे और परिवार के लोगों का कहना था कि जिस जगह पर हमारे पूर्वजों की कब्र है उसी जगह पर हबीब खान की कब्र बनाई जाएगी, जिसका दूसरे लोग विरोध कर रहे थे। विवाद बढ़ गया और एसडीएम के साथ में राजस्व विभाग की टीम को भी पहुंचना पड़ा। काफी समझाने बुझाने के बाद उसी जगह पर हबीब खान की कब्र बनाई गई जिस जगह पर उसके पूर्वजों की थी। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। इनका अंतिम संस्कार करने के विषय में थोड़ा सा विवाद हुआ था तो इसको मौके पर आकर हम लोग ने निस्तारित कर दिया है और इसके पहले परंपरागत रूप से जहां पर इनके घर के लोगों की कब्र फूटती रही है वहीं पर अंतिम संस्कार किया जा रहा है और स्थिति में पूरा नियंत्रण है, किसी प्रकार का तनाव नहीं। बदायूं में पुलिस ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है जिसके पास से करीब 20 लाख की अफीम भी बरामद की गई। पकड़े गए तस्कर जसवंत मौर्य और विपिन बरेली के रहने वाले हैं। पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत में मामला दर्ज कर लिया है। दोनों तस्कर ढाबों पर अफीम बेचते थे। खबर गाजियाबाद से है जहां पर बलात्कार का आरोपी कस्टडी से फरार हो गया है। कचहरी के हवालात से फरार हुआ है आरोपी। पानी पीने के बहाने निकला था बाहर और लापरवाही पर कांस्टेबल पर एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही जेल में पेशी पर आया था बंदी, तलाश की जा रही है। दिनांक 14 दिसंबर को थाना क्षेत्र कविनगर स्थित न्यायालय परिसर में एक बंदी ऋतिक पुत्र विजय, जो कि थाना नंदग्राम से जेल गया था, पेशी पर आया हुआ था। पेशी के उपरांत
इसके भागने का प्रकरण प्रकाश में आया, जिसमें तत्काल ही सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसको पकड़ने के हेतु टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र ही घटना का विधिक निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने नशा तस्करी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से करीब 60 लाख की स्मैक बरामद की गई है। नई मंडी कोतवाली पुलिस को मुखबिर ने इसकी सूचना दी थी और पुलिस से घेराबंदी कर हाईवे से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी शहजादा सहारनपुर का रहने वाला है। जो NDPS के स्मगलिंग में जो इसकी अन्य संलिप्तता है, उसके बारे में पुलिस डिटेल में इसमें छानबीन करेगी और जो जो व्यक्ति इस पूरे सिंडिकेट में हिस्सा रहे हैं, जो जो इसकी स्मगलिंग करके और इसके बाद में इसको मार्केट में जो खपाते हैं, उन सभी के विरुद्ध जो विवेचना के दौरान कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। बुलंदशहर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी महिला गैंगस्टर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इसके चार अन्य साथी भी गिरफ्तार किए गए हैं। सभी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था और ये सभी गैंगस्टर प्लॉट और मकान के नामों पर करोड़ों रुपए की ठगी करते थे। खास बात तो ये है कि ये सभी पुलिस और फौजियों को अपना निशाना भी बनाते थे और सुधीर गोयल एंड कंपनी के नाम पर ये सभी फर्जीवाड़ा कर रहे थे। अब तक शहर में सुधीर गोयल और राखी गोयल ने 11 अवैध कॉलोनी को बेचा था, जिसमें अरबों रुपए का फर्जीवाड़ा कर 400 से अधिक लोगों को चूना लगाया गया था। पंद्रह मुकदमे पंजीकृत है, जिसमें से एक 785/23 अंतर्गत धारा 306 जनपद हापुड़ से भी पंजीकृत है। इसके अलावा जितने अभियुक्त हैं, राखी गोयल, आलोक कुमार, जय सिंह, जयप्रकाश, इन सभी के विरुद्ध भी पहले भी अभियुक्त पंजीकृत रहे हैं। अब इन सभी को हम लोगों ने कल पीलीभीत पुलिस के सहयोग से पीलीभीत से गिरफ्तार किया है और आज इन्हें हम न्यायिक अभिरक्षा में भेज रहे हैं। पीलीभीत में पुलिस ने चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले भाई बहन समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों भाई बहन अपना एक गिरोह बनाए हुए थे और दुकानों, बंद घरों की रेकी कार उनमें चोरी की घटना को अंजाम देते थे। इन लोगों पर पहले से भी कई मुकदमे दर्ज थे। पुलिस ने इनके पास से नेपाली करेंसी, बाइक, ई रिक्शा समेत लाखों रुपए का सामान बरामद किया है। जहाँ पे भी ताले लगे होते थे, लोहे की छड़, औजार ये साथ में रखता था और उसी से पूरा ये घटनाक्रम किया करता था। लाल इसके पास से जो घटना में चोरी की मूर्ति है और भी जो बाकी सामान है वो सब शत प्रतिशत रूप से बरामद किया गया है और बाकी विवेचना इसमें प्रचलित है। सीतापुर में घर के अंदर एक तेज धमाका हुआ। घर में रखे बारूद से धमाका इतना जबरदस्त हुआ कि मकान और स्कूल की बाउंड्री वॉल ध्वस्त हो गई। वहीं तेज धमाके की आवाज सुनकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि घर के अंदर रखे बारूद में किसी कारण से आग लग गई थी, जिसके कारण धमाका हुआ। हालांकि इसमें किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। लोगों की माने तो घर के अंदर पटाखा बनाने का काम किया जा रहा था और पूरा मामला रेउसा थाना इलाके के राजापुर कला गांव का है, जहां पर पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया है। कितना नुकसान हुआ होगा आपका? क्या क्या नुकसान हुआ? नुकसान सर का मकान वकान टूट टाट गया है और घायल तो कोई नहीं भाई। कहो क्या लोग इस घर में रहते थे? रह रहे 6-7 दिन कम से कम घर में। आपका नाम, आपके भाइयों का नाम कौन? हमारे बड़े नाम है गुड्डू, सलीम है, मोहम्मद तौफीक, समीम और शाहिद। सभी लोग ठीक है? किसी को चोट तो नहीं? कोई ना चोट आई। सीतापुर के सोनार मंडी इलाके में अवैध बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण गिराया गया। बताया जा रहा है कि नगरपालिका प्रशासन ने 2 महीने पहले नोटिस दिया था, लेकिन नोटिस के बाद भी निर्माण कार्य बंद नहीं किए गए। आरोप के मुताबिक नजूल के जमीन पर अवैध निर्माण किया जा रहा था। शहर कोतवाली इलाके में ये कार्रवाई की गई। बुलंदशहर में किसान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। उधर परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की है। कल देर शाम से किसान लापता था और आज गांव के बाहर तालाब के किनारे उसका खून से लथपथ शव मिला। मृतक के शरीर पर चोटों के निशान हैं और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है।
पीलीभीत में कारोबारी के घर चोरी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी शैलेश पाटिल ज्वेलर्स की दुकान पर कारीगरी का काम करता था, वो भी महाराष्ट्र के सांगली जिले का रहने वाला था। दो महीना पहले उसने दुकान से काम छोड़ा था और 5 दिसंबर को उसने घर में घुसकर लाखों रुपए का सोना चांदी और साथ ही करीब 1.5 लाख रुपए की नकदी चोरी कर ली थी। पुलिस ने उसके पास से चोरी के जेवर और नकदी बरामद की है। इस पूरे मामले में पीड़ित सराफा कारोबारी ने अपने मकान मालिक समेत 4 लड़कों और पड़ोस में रहने वाली एक लड़की के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। फरुखाबाद में फतेहगढ़ इलाके में एक शख्स की हत्या का मामला सामने आया। शख्स की भांजी की सहेली और उसका प्रेमी घर पर रुका था और दोनों ने मिलकर रात के वक्त शख्स और उसकी बहन का गला रेत दिया। वारदात के बाद में दोनों फरार हो गए। पुलिस ने आरोपी और उसकी प्रेमिका को हिरासत में लिया है। ये भूरा वाली गली है थाना क्षेत्र फतेहगढ़ में, जहाँ देर रात सूचना मिली कि एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। इस संबंध में मेरे द्वारा और सीओ द्वारा संबंधित थाना द्वारा घटना स्थल का भ्रमण किया गया और घटना पे साक्ष्य कलेक्ट किया गया। नामजद अभियुक्त है जिसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। खबर गाजीपुर से है, जहां पर शहीद बीएसएफ जवान अखिलेश राय के पार्थिव शरीर का उनके गांव शेरपुर में अंतिम संस्कार किया गया। पूरे सैनिक सम्मान के साथ में शहीद अखिलेश राय को अंतिम विदाई दी गई और अंतिम सलामी दी गई। छत्तीसगढ़ के कांकेर में माइंस ब्लास्ट में अखिलेश राय शहीद हो गए थे। अखिलेश राय बीएसएफ में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात थे। कर्तव्य पालन के दौरान शहीद हुए हैं और ये इस मुश्किल घड़ी में हम परिवार के दुख को बांटने आए हैं, उनको ढांढस देने आए थे और मैं अपने और पूरे प्रशासन की ओर से, राज्य सरकार की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं। और मुख्यमंत्री जी ने कल ही घोषणा कर दी थी कि परिवार में एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी और 50 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी और जनपद में एक रोड का नामकरण उनके नाम पर किया जाएगा। खबर गाजीपुर से ही है, जहां पर शहीद बीएसएफ जवान अखिलेश राय का पार्थिव शरीर शेरपुर गांव पहुंचा था और बीएसएफ जवान अखिलेश राय के पैतृक गांव में गम का माहौल देखा गया। और गाजियाबाद जेल में 7 बंदियों को एचआईवी और साथ ही 49 बंदियों को हेपेटाइटिस बी और सी के लक्षण पाए गए हैं, जिसका इलाज जेल हॉस्पिटल में चल रहा है। इस मामले में जेल अधीक्षक आलोक सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि रोजाना बाहर से आने वाले बंदियों का रूटीन चेकअप किया जा रहा है और इसके साथ ही कुछ बंदी ऐसे होते हैं जो बाहर से नशे का सेवन करते हैं, उनमें इस तरह के मामले अक्सर देखे जाते हैं। इसी सिलसिले में सभी बंदियों की जांच कराई गई थी, उसमें से कुछ नए बंदी जो दाखिल हुए उनमें से ये क्या कहते हैं स्क्रीनिंग में मिले हैं और ये स्क्रीनिंग इसलिए कराई गई थी कि जिससे कि उचित समय पे इनके बारे में पता चल सके और इनका उपयुक्त इलाज इनका किया जा सके। कल यानी कि 15 दिसंबर से एक्सप्रेसवे पर नई गति सीमा लागू कर दी गई है। नई गति सीमा लागू होने से पहले ही दिन नोएडा ग्रेटर नोएडा में एक्सप्रेसवे और एलिवेटेड रोड पर 468 चालान काटे गए। ठंड के मौसम में चालान ये काटे गए क्योंकि स्पीड काफी ज्यादा थी और ऐसे में ठंड के मौसम को ध्यान में रखते हुए शासन की तरफ से एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट कम कर दी गई है। ये आदेश 15 फरवरी तक लागू रहेगा। शाहजहांपुर में 195 केसों में बरामद 2200 लीटर शराब और साथ ही उपकरणों को नष्ट कर दिया गया है। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की है। मामला थाना सिंधोली का है, जहां पर कई सालों से 195 केसों में 2200 लीटर अवैध शराब थाने में रखी हुई थी और इस शराब की बदबू पुलिसकर्मियों को काफी ज्यादा परेशान कर रही थी और वातावरण भी प्रदूषित होने लगा था, साथ ही महामारी फैलने की भी आशंका बढ़ने लगी थी। ऐसे में कोर्ट से परमिशन लेते हुए पुलिस की टीम ने 2200 लीटर अवैध शराब और साथ ही उपकरणों को गड्ढे में डालकर नष्ट कर दिया।
शाहजहांपुर में दो घरों में अचानक से आग लगने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने किसी तरह से पशुओं को बाहर निकाला। ग्रामीणों ने ट्यूबवेल की सहायता से कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया है। घटना थाना अल्हागंज के चंपावतपुर गांव की है, जहां पर दो घरों में अचानक आग लग गई और आग की लपटें देखकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और फंसे पशुओं को बाहर निकाला। यूपी में अब विधायकों के सुझाव पर 1142 नई सड़कें बनने वाली हैं। पीडब्ल्यूडी 1615 करोड़ की लागत से नई सड़कें बनाएगा। पीडब्ल्यूडी की गांव को संपर्क मार्ग से जोड़ने की योजना है और पीडब्ल्यूडी ने दी मंजूरी। नाबार्ड से बजट मिलते ही सड़कें बनाई जाएंगी। विधायक अपने क्षेत्र में 6 करोड़ के इंटर कनेक्टिविटी सड़कों के प्रस्ताव दे सकेंगे। विधायिका की निधि इंटर कनेक्टिविटी सड़कों में खर्च नहीं होगी और साथ ही विधायक निधि को दूसरे कार्यों में लगा सकेंगे जनप्रतिनिधि। योगी सरकार अधिकारियों की रिपोर्ट तैयार करा रही है। कमिश्नर और डीएम के रिपोर्ट कार्ड तैयार हो रहे हैं और सीएम योगी ने राज्य से वादों को निपटाने के निर्देश दिए हैं। चकबंदी के मामलों में निपटारे की समीक्षा के निर्देश दिए गए। 15 से 25 दिसंबर तक सीएम योगी ने समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं और खराब प्रदर्शन करने वाले अफसर को तलब किया जाएगा। कमिश्नर, डीएम, एसडीएम और साथ ही तहसीलदारों से जवाब तलब होगा। लापरवाह अधिकारियों की रिपोर्ट सीएम ऑफिस भेजी जाएगी। लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। अखिलेश राहुल पर बीजेपी का निशाना, भूपेंद्र चौधरी का राहुल गांधी पर वार। संसद केस में कांग्रेस ने राजनीति की है और एसपी को जनता नकार चुकी है, ये कहना है भूपेंद्र चौधरी का। हार पर ईवीएम को दोष दे रही है एसपी। चौधरी जी हैं सर, जिस तरीके से अखिलेश यादव का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि एक बार ईवीएम पे फिर से सवाल उठाते हुए बोले वो कि ईवीएम तभी हटेगी जब भारतीय जनता पार्टी हटेगी। ऐसे में 24 में भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, तभी ईवीएम हट पाएगी। ये कहीं ना कहीं राजनीतिक हताशा का परिणाम है और समाजवादी पार्टी की और समाजवादी पार्टी की नीतियों को या विपक्ष की नीतियों को जनता ने नकार दिया। अब ईवीएम लगभग 20 साल से चुनाव 20-25 साल से लगातार ईवीएम के माध्यम से विधानसभाओं के लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। मुझे लगता है इसी कालखंड में लगभग 2 बार 10 वर्ष तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही है। इसी कालखंड में मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री रहे हैं राज्य में, अखिलेश यादव जी 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, बहन मायावती जी मुख्यमंत्री रहे हैं। तो अगर जीतेंगे या जिन राज्यों में आपने देखा है पिछले कालखंड में, पिछले 2-3 सालों में भारतीय जनता पार्टी के हमारी अपेक्षा के अनुसार कई जगह परिणाम नहीं आए। और खबर बरेली से है, जहां पर धरने पर बैठे दंपत्ति की बेटी की मौत हो गई है। सड़क के लिए धरने के लिए बैठे थे दंपत्ति, ठंड लगने से 1 साल की बच्ची की मौत हो गई है। आजादी के बाद से आज तक सड़क नहीं बन पाई थी। नगर निगम गेट पर धरने पर बैठे हैं ग्रामीण। परसाखेड़ा के गांव परसाखेड़ा गोठिया व गोकिलपुर गगैया का यह पूरा मामला है, जहां पर सड़क न बनने के चलते ग्रामीण सड़कों पर बैठे हुए थे और साथ ही धरना प्रदर्शन कर रहे थे और इसी दौरान मां की गोद में ही बच्ची की मौत हो गई। ठंड लगने से 1 साल की बच्ची की मौत हो गई है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नगर निगम गेट पर धरने पर बैठे हुए थे ग्रामीण और साथ ही एक दंपत्ति भी उन्हीं में बैठा हुआ था और एक महिला ने अपनी गोद में 1 साल की बच्ची को ले रखा था और ठंड के चलते 1 साल की बच्ची की मौत हो गई है। बस्ती जिले में बिजली विभाग का अजब गजब कारनामा सामने आया है। बिजली विभाग ने मजदूर को 58 लाख का बिल दे दिया है। बताया जा रहा है कि मजदूर के घर में सिर्फ 3 बल्ब और एक पंखा चलता है, फिर भी इतना सारा बिल भेज दिया गया। 58 लाख का भारी भरकम बिल देखकर मजदूर परेशान हो गए और वो इसे ठीक कराने के लिए बिजली विभाग के दफ्तर के चक्कर भी लगा रहे हैं। मामला दुबोलिया ब्लॉक का है।
कई बार आप गए होंगे दौड़ करके? कम से कम 4-5 दिन गए ना, छरैया गए और डिसेसर गए, छावनी पावर हाउस में तो बराबर जाए थे। क्या कहते हैं? कहा दिन के पावर हाउस वाले कहा दिन के डिसेसर गए जाओ, बाबा जब जाए थे तो कहा दिन सही हो जाए, जमा कर दो एप्लीकेशन। उनका कहना है कि इसकी जो मीटर यूनिट है, जो कंजम्पशन आया है पिछले कुछ माह में, वह औसत से कुछ कम लग रहा है, तो इस संबंध में उनको निर्देशित किया है कि जांच करके प्राथमिकता पर सही बिल उपभोक्ता को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ये सरकार द्वारा OTS योजना चलाई जा रही है, और सर इस तरीके से अगर आपके विभाग में बिल की गड़बड़ी रहेगी तो कैसे लोगों को फायदा मिलेगा? नहीं, इसके लिए हम लोग प्राथमिकता पर हर स्तर पर बिल संशोधन सही कराना और उसको बिल सही उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने का। बुलंदशहर में किसान के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उधर परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की है। कल देर शाम से किसान लापता था और आज गांव के बाहर तालाब के किनारे उसका खून से लथपथ शव मिला है और मृतक के शरीर पर चोटों के निशान भी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। खबर हापुड़ से है, जहां पर आज सुबह कपूरपुर इलाके के सपनावत गांव में बीजेपी नेता ने मामूली कहासुनी में अपने छोटे भाई पर ताबड़तोड़ लाइसेंसी रिवॉल्वर से फायरिंग कर दी, जिसमें भाई को दो गोली लगी है। और घटना के बाद में परिजनों ने घायल अवस्था में भाई को निजी अस्पताल में भर्ती कराया। घटना के बाद में आरोपी जुगल किशोर शर्मा मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है और आरोपी की तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि जुगल किशोर शर्मा और उनके छोटे भाई के बीच में घर में बिजली के बिल को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद में दोनों भाइयों में जमकर कहासुनी हो गई और इसी दौरान जुगल किशोर शर्मा ने अपने छोटे भाई पर लाइसेंसी रिवॉल्वर निकालकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। अपने छोटे भाई सोमेन शर्मा को मामूली कहासुनी पर अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारी है, जो घायल सोमेन शर्मा के पेट में लगी है, जिनका इलाज एक निजी अस्पताल में हापुड़ में हो रहा है। मजरूह के परिजनों की तरफ से जो है FIR पंजीकृत कराई जा रही है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाई। शाजापुर की पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार बदमाशों के पास से तमंचा और साथी कारतूस भी बरामद किया गया। इसके अलावा बाइक भी बरामद की गई है। मामला जलालाबाद के आजाद नगर मोहल्ले का है, जहां पर आजाद नगर के रहने वाले रघुवीर सिंह ने आरोप लगाया था कि दो बदमाशों ने उन पर रंजिशन फायरिंग कर जानलेवा हमला किया है, जिसके चलते पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की शुरुआत कर दी है छानबीन की। अब पुलिस ने बालाजी मंदिर के पास से आरोपी दीपू और सनी को गिरफ्तार कर लिया है। यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज 18।